हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। लास्ट जो मैंने मैटर इन आर सराउंडिंग्स का पार्ट वन लिया था, उसमें स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हम लोग स्टडी करेंगे। सो बेसिकली देर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज the particles of matter, they are continuously moving, and the third characteristic is the particles of matter attract each other. Now we will discuss one by one each. तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं डिस्कस कर रही हूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए स्टूडेंट मैंने लास्ट अपने वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करके बताया था, आज मैं उसका सिर्फ एक पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए आप मेरा जो लास्ट वीडियो है इस मैटर इन आर सराउंडिंग से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। पहले मेरे पास जो कंटेनर ए है, इसमें मैंने वाटर डाला। ये वाटर इस तरह से यहाँ इस लेवल तक प्रेजेंट है। उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। इस शुगर को ऐड करने के बाद में इसको थोड़ा सा स्टिर करते हैं और फिर बाद में वाटर का लेवल चेक करते हैं। वाटर का लेवल जो उसका प्रीवियस लेवल था उतना ही रहता है, वाटर का जो लेवल था वो बढ़ता नहीं है। उसका रीज़न बेसिकली पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, जिसमें क्या हुआ, ये जो शुगर है, क्योंकि शुगर स्टूडेंट्स एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और जब इस क्रिस्टल फॉर्म को हम लोग वाटर के साथ में डिजॉल्व करते हैं, the particles of sugar crystal will be separated out and get into space between particles of water. तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ये बेसिकली वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ता है कि जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट हो जाने के बाद में दे विल गेट द स्पेस इन टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर पार्टिकल। तो ये वाटर पार्टिकल है और इसके बीच में ये सर्कल जो मैंने बनाए हैं, दीज आर बेसिकली शुगर पार्टिकल्स, ठीक है। सो दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन वी विल डिजॉल्व द शुगर इन द वॉटर, वाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज और रिमेन द सेम, बिकॉज द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम एंड द शुगर पार्टिकल विल गेट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे मेकिंग शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, लेमनेड हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जूसेज हो गए। सो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो स्टूडेंट है वो है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, यानी पार्टिकल्स जो है वो किसी भी मैटर के कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा बच्चों, वो मेरा होगा धूप बत्ती का, जिसमें जो स्मोक बनेगा वो चारों तरफ फैल जाएगा, वो मैं आपको शो करती हूँ। दूसरा मैं एक सोल्यूशन बनाती हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पाउडर के पार्टिकल्स वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं, इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बर्निंग हमारे पास में धूप बत्ती है, आप इसमें स्मोक देख सकते हो, ये स्मोक जो है वो बन रहा है और चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है, हमारे पूरे कमरे में फैल जाएगा, और उसकी जो फ्रैग्रेंस है वो भी अगर हम लोग इसको एक कोने में भी रख दे, उसके बावजूद ये चारों तरफ फैल जाएगी। तो दैट इज़ अ वन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जैसे बच्चों ये मैंने यहाँ पे एक
कलर इसके अंदर पाउडर डाला था, ऑरेंज कलर पाउडर, ये पूरा वाटर के अंदर मैंने डाला। और अब जब मैं इसको पूरी तरह से इस तरह से स्टिर करती हूँ या मिक्स करती हूँ, ये पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व हो जाता है। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टिकल्स का, इसमें आपको पर्टिकुलर वाटर पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, ना ही वो ऑरेंज कलर पाउडर आपको दिख रहा है, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो इन एक्सपेरिमेंट्स वी कैन राइट डाउन लाइक इग्नाइटेड इंसेंस स्टिक और डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इनटू वाटर विल मेक ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो ये आप इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि इग्नाइटेड जो इंसेंस स्टिक होती है उसकी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल जाती है। और सेकंड एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पूरा जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो दीज टू एग्जांपल्स कैन बी गिवन इन द पार्टिकल्स आर इन अ कंटीन्यूअस मोशन। नाउ व्हाई दे आर इन अ कंटीन्यूअस मोशन, तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट के पीछे एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अ एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू द मोशन और मूवमेंट। तो बिकॉज दिस पार्टिकल पजेस दैट काइनेटिक एनर्जी, दैट्स वाई दे आर इन अ कंटिन्यूस मोशन। अब इस काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप होता है वो सीधा सीधा टेम्परेचर से होता है कि जैसे अगर हम लोग पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल देन वॉट विल हैपन, टेम्परेचर इफ इंक्रीज then the kinetic energy of particles will also increases, and if we decrease the temperature then the kinetic energy of particle will decreases। तो सीधा सीधा relationship इसका temperature से आता है। जैसे आप simple एक example लेके घर में देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जब कंटेनर में मिल्क बॉईल करने के लिए रखते हैं और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पूरा का पूरा जो मिल्क होता है वो इस कंटेनर के बिल्कुल बाउंड्री तक ऊपर तक आ जाता है। और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर डाउन करते हैं यानी जो नोब होती है उसको थोड़ा सा स्लो करते हैं तो ये वापस जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर कम हो गया है तो दे विल कम डाउन। ठीक है, तो यानी अब टेम्परेचर कम कर दिया है तो टेम्परेचर कम करने से इनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट इज अ सिंपल एग्जाम्पल you can see in your house, okay? तो basically ये motion ही है particles की, जिसकी की वजह से दो different types के matter के particles आपस में एक दूसरे से mix हो जाते हैं। और जब दो different types के matter के particle आपस में एक दूसरे से mix हो जाते हैं तो इस process को student हम लोग कहते हैं diffusion। तो then we can write down here the definition of this diffusion. What is this? Intermixing of different particles of different kinds of matter with each other. So definition of diffusion is what? Intermixing of different particles of different kind of matter on its own. अपने आप आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को ही स्टूडेंट हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। एंड दैट इज बिकॉज बेसिकली ऑफ द कंटिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं कि गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, सबसे ज्यादा मूवमेंट करते रहते हैं। फिर उससे कम जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में होता है और सबसे कम जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में होता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो करूंगी जिसमें डिफ्यूजन समझाऊंगी, गैसेस का गैसेस में कैसे होता है, गैसेस का लिक्विड में कैसे होता है, लिक्विड का लिक्विड में कैसे होता है। ठीक है, नाउ हम लोग एक और यहाँ पे चीज डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट कि जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी और जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की उतना ही उनका डिफ्यूजन होता है। नाउ आई विल डिस्कस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, देखिए।
सबसे पहले तो जैसे मेरे पास में ये इस तरह से क्यूब शेप कोई टॉय है, अगर आप इसके पार्टिकल्स देखोगे तो इसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। तो पार्टिकल्स जब पास पास होते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सपोज करो अगर मैंने ये यहाँ पे चार पेन रखे हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेन रख दिए, अगर ये बिल्कुल पास पास है यानी इनके बीच में स्पेस जो है वो कम है तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा मैं इनको दूर दूर कर दूंगी तो इनके अंदर स्पेस ज़्यादा हो गया बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और अगर और भी ज़्यादा दूर दूर मैंने रख दिया तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पे। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब स्पेस पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उतना ही कम होता है। और अगर मैं बात करूं स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके अलावा हम लोग और देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये तीन सर्किल है, अब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली कम है क्योंकि स्पेस इनके बीच में ज्यादा है। तो मैं अगर किसी को भी मूव करवाना चाहती हूँ तो मैं इजीली इसको मूव करवा सकती हूँ। बट अगर मैं इस तरह से इन तीनों को बांध दूँ यानी आपस में जो इनके बीच का जो स्पेस था उसको कम कर दूँ तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। एंड व्हेन आई विल मूव इट तो ये क्या होंगे, साथ साथ मूव करेंगे। और या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये वाला और ये वाला इस बीच वाले को भी कहीं ना कहीं रोकेगा मूव करने के लिए, क्योंकि अब इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है यानी एक दूसरे को क्या किए हुए, ये बांधे हुए हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन अगर हम लोग ले, जहाँ तीसरी कंडीशन आप लोग भी स्टेक्स वगैरह जैसे खेलते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग इसको इस तरह से रख दे सपोज करो तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है इनके बीच के जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है। और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इनका बढ़ जाएगा तो अब इसको इकट्ठे जो ब्रेक करना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह से जब आप सितोलिया जिसको एक गेम कहते हैं वो जब आप खेलते हैं उसको बॉल से हिट करते हो तो अब आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहां पे बिकॉज दीज आर वेरी क्लोजली पैक्ड तो अब इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम हो गया है तो अब इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का वो बढ़ गया है। तो स्पेस जितना कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है, और स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। दैट इज अ पॉइंट। सो समवेयर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। And the second point is the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं इसकी तो ये एक सॉलिड स्टेट है तो इस सॉलिड स्टेट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। सेकेंड मैं आपको अगर बात बताऊं इस स्टेट की जो कि एक तरह से लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। और अगर हम लोग थर्ड बात करें गैसेज की जो कि चारों तरफ मौजूद है, यहाँ के इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा। यहाँ पे हम लोग इजीली यहाँ पे हमारा जो हाथ है वो आर पार कर सकते हैं गैसेस पार्टिकल के बीच में। इस तरह से ये जैसे आयरन नेल है तो आयरन नेल क्योंकि एक सॉलिड सब्सटेंस है तो इसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसलिए वी कैन नॉट ब्रेक इट इजीली। बट वहीं अगर मैं एक चौक पीस की बात करूं तो चौक पीस के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन। सो दैट्स अ सिंपल थिंग वी कैन अंडरस्टैंड बाय द थिंग्स विच आर प्रेजेंट आर सराउंडिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक, द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू अंडरस्टूड एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर द फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।